अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्त ठीक होंगे, काफी अच्छे से होंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एक शॉकिंग अपडेट के बारे में। जैसे कि आप सभी दोस्तों को मालूम है कि कल से बाबर आजम जो है न्यूज़ में छाए हुए हैं, उसके कुछ प्राइवेट वीडियोस और कुछ प्राइवेट पिक्चर्स सोशल मीडिया पे बहुत तेज से वायरल हो रहे हैं। किस हद तक वो सच है, किस कितनी सच्चाई है उनमें, मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो क्लिप प्ले करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है कि कश्मीर के बहुत सारे बहन भाई इस चैनल पर वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं इस चैनल पर कश्मीर रिलेटेड और पूरी दुनिया रिलेटेड हर कोई अपडेट देता रहता हूँ। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो क्लिप देख लीजिए। दोस्तों, सोशल मीडिया पर बाबर आजम की कुछ प्राइवेट वीडियो और तस्वीर वायरल कर दी गई है। क्या एक बार फिर बाबर आजम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है या इसके पीछे की कहानी कुछ और है? जैसा कि आपको पता है कि आज से 2 साल पहले हमीजा मुख्तार नामी लड़की ने बाबर आजम पर गलत इल्जाम लगाए थे, जिसके बाद कानून ने बाबर आजम पर लगाए गए तमाम इल्जाम को बेबुनियाद और झूठ करार दिया था। ऐशा राजपूत नामी इंस्टाग्राम अकाउंट से बाबर आजम की कुछ प्राइवेट वीडियो, वॉइस मैसेज और तस्वीरें वायरल कर दी गई है। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबर आजम शर्ट के बगैर किसी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बाबर आजम का व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज भी सुनाते हैं। मैं बस अभी फ्री हूँ और जा रहा हूँ घर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि इस मैसेज में बाबर आजम ने कुछ ऐसी वैसी बात नहीं की। इसके अलावा लड़की ने बाबर आजम पर इल्जाम लगाया कि मेरे और बाबर आजम के दरमियान माजी में कुछ गहरे तालुकात भी रह चुके हैं। दोस्तों, हम सबको पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आप सभी दोस्त ने वीडियो क्लिप देख लिया, तो चलो दोस्तों, अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि ये बात सच है या गलत है। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक मुझे अपने फॉर्म में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।